है ना रात को बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो भी यहाँ से गुजरते हैं ना यहाँ से टकरा जाते हैं, तो इसके बाद ये फीमेल भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बाद मेल भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस वजह से इनको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा इन पेरेंट्स के साथ। और यहाँ पे इस वाला ये वाला जो केज है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि ये टकरा जाते हैं फिर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी भी देखिए फीमेल नीचे बैठी हुई और मेल उधर बैठा हुआ है, तो ये डिस्टर्ब ही है एक तरह से। माशाल्लाह देखिए कितनी नेस्टिंग जमा कर ली है, बहुत सारे नेस्टिंग जमा कर ली है। अब इनके अंडे पता नहीं कब आएंगे। और इसके बाद जो है ये इनको देखते हैं, और ये देखें बच्चों को इधर छोड़ के खुद यहाँ पर बैठे हुए अंडे देने के लिए, तो अच्छी बात है। ये घर किसने बना दिया, हम बच्चों का भी कुछ पता नहीं होता, पता नहीं क्या क्या करते रहते पूरा दिन कबूतरों के साथ और बर्ड्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो रात हुई है बहुत तेज़ बारिश में, आपको दिखाता हूँ। अभी इतनी तेज़ बारिश हुई थी या इतना सारा पानी जमा हो गया था, ये देखिए कितना पानी उधर भी जमा है, उसके बाद इधर भी देखें कितना पानी जमा है। हमारा एरिया वैसे भी थोड़ा वो है कि पानी जितना भी आता है ना वो सूख जाता है जल्दी में, तो सूख गया रात को, वैसे बहुत तेज़ बारिश हुई है। अच्छा बांको 1200 में मुर्गा बेच के आए वो बता रहा है, तो हमें अपने मुर्गा को खोल देता हूँ, तो देखते हैं। ये माशाल्लाह से मौसम बहुत प्यारा है, और उसके बाद ये सेफ है सब, पानी वगैरह किसी में भी नहीं गया, ये शुक्र है कि पानी वगैरह नहीं जाता है। मैं बोल सकता हूँ बारिश जो है ना वो बहुत तेज़ हुई है, तो अभी इनको खोल देते हैं ताकि ये बाहर चले जाएँ। इसको भी खोल देते हैं। अब ये ज़्यादातर जो है ना वो बाहर रहते हैं, तो इनसे ना इसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, इनकी बाहर घूमेंगे ना तो बहुत अच्छी हो जाएगी इनकी हेल्थ। मैं बहुत से लोगों ने बोला था इनको बाहर छोड़ दो आज़ाद, ताकि वहाँ पे कचरे वगैरह में ये खाते पीते रहेंगे ना, तो हेल्थ इनकी अच्छी होगी। मुझे कह रहे थे कि तुमने मुर्गियों को कमज़ोर कर दिया, इसी वजह से कमज़ोर हो गई है कि तुम पूरा दिन केज में बंद करके रखते हो, इस वजह से अब मैंने इनको पूरा दिन छोड़ ही दिया है, वो आज़ाद रहते हैं। इनके घूमने का भी डर लगा रहता है, तो एक बंदा वहाँ पे बैठा रहता है, तो वो पूरा दिन इनकी देखभाल करता है कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। और सारे बच्चे मोहल्ले के वैसे भी अब मुझे बताते रहते हैं कि मुर्गी कहाँ गई मुर्गा कहाँ गया, तो मुर्गा तो बहुत तेज़ है, दूसरे घरों में चला जाता है, मुर्गियाँ शरीफ हैं, वो कदन की घर ही चली जाती और कहीं नहीं जाती, तो अभी इनको बाहर ही जाने देते हैं। देखे जा रही हैं, अब ये पूरा दिन बाहर रहेंगी। ये देखे मैंने इनका जो अंडे देने के लिए घर बनाया था वो सारा बारिश के पानी की वजह से ख़राब हो चुका है, तो ये फिर से बनाएंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये वाला केज जो है वो खाली है, इसके लिए कुछ और लेके आएंगे। आज मुझे मंडी भी जाना था पर मंडी इसलिए नहीं जा सका क्योंकि बारिश है, सिटी में पानी जमा होगा बहुत, तो इसीलिए मैं आज नहीं जा सका। अगर भाई उठा वो चला तो जाएंगे, वरना फिर हम नहीं जाएंगे मंडी आज। ये देखें ये बाहर आ गए केज से, वो भी निकलने के इंतज़ार में। ये देखें तो इसको कैसे पकड़े, देखते हैं खुद ही जाता है कि नहीं। फीमेल अंदर है, नीचे जा रहे हैं, क्या इसको पकड़े और अंदर डालें, उड़ ना जाए कहीं, वो भी क्या करे यार ये उड़ जाएगा। इसकी फीमेल जो है वो अंदर बैठी हुई और ये बाहर आ गए, तो भी इसको पकड़ना पड़ेगा, इस चीज़ की लालच देनी पड़ेगी, उसके बाद ये पकड़ा जाएगा वरना ये उड़ जाएगा। इसके पर भी देखें, पर भी पूरे हैं इसके, तो इसको किसी चीज़ की मुझे देनी पड़ेगी लालच। जा रहे खुद ही केज में जा रहे, हट जाओ जा रहे केज में जा रहे, हट जाओ जाओ भाई, तो देखते हैं जाता कि नहीं जाता। जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, भाई ये गया केज में गया, लड़ाई होगी, खुद ही चला गया, शुक्र है। जितना भी बंद करने की कोशिश करता हूँ ये सारी तोड़ देते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं। सुबह भी ये दोनों बाहर निकले हुए थे, फिर मैंने दाना डाला तो दाने की वजह से ये अंदर आ गए थे, और अभी फिर से ये देखें बाहर आ गया था, ये नहीं निकलते, बस यही जो है ना वो दोनों बाहर आ गए थे। इनको निकाल के वहाँ पर रखते हैं और डायमंड डब को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, काट रहा है मुझे, तो डायमंड डब को जो है वो यहाँ पर लगा देते हैं। डायमंड डब का केज मैं उतार देता हूँ, और ये क्यों नहीं चली फिर, इससे क्या प्रॉब्लम है, और इसको जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं। ये वाली दरवाजे वाली साइड जो है ना वो यहाँ पे आ गए, तो दरवाजे की साइड मैंने उधर कर दिया, अब ये नहीं निकल पाएंगे। और बाकी डायमंड अब जो है ये यहाँ पे आ गया, अंडा चेक करते हैं, और ये नीचे क्यों बैठी हुई, अंडा 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 अभी एक ही है, तीन दिन हो गए, दूसरा अंडा क्यों नहीं आया,
उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंडे वगैरह की, तो देखते हैं इसको प्रॉब्लम क्या है। लगता है मुझे अंडा फर्स्ट वगैरह तो नहीं किया, इसका एक बाइंडिंग तो नहीं होगी, तो देखते हैं आज शाम तक अंडा देती है कि नहीं देती, फिर इसका कोई ना कोई हल करना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो केज है ये लगा देते हैं इधर। क्या गिरा है नीचे? अच्छा तो ये यहाँ पे आ गया, और इसके बाद अभी इनके साथ रहेंगे, वहाँ पे डिस्टर्ब होते क्योंकि इनका अंडा है, तो इस वजह से ये फिर रात के टाइम एक को इनकी वेट नहीं कर पाती। यार यहाँ पे जो हमारी चिड़िया होती है, जो वाइल्ड स्पैरो थी हमारी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, वो नज़र नहीं आ रही। कल परसों से दो तीन दिन से मैं उसी को ही ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। यहाँ से कहीं उड़ तो नहीं सकती, पर जा कहाँ सकती है? केजेस में भी नहीं है, यहाँ पे होती तो बाहर आ जाती है, ऐसा ना हुआ कि कहीं अंदर ही मर गई हो, वरना निकलने की तो कोई जगह नहीं है। या फिर दाना भी अभी नहीं डाला क्योंकि ये लॉक जो है वो ख़राब हो चुका है, दाना भी मैं इधर से डालता हूँ तो पता नहीं कहाँ गई है, वो मिल नहीं रही। मुझे लगता है अंदर ही किसी मटकी में या तो मर गई है या तो अंदर बैठी हुई है पर निकल नहीं पा रही। इसकी प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, मिल ही नहीं रही मुझे। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं किया था। मुझे कल भाई ने बताया था कि जो है ना वाइल्ड स्पैरो जो थी ना हमारी इसमें, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो आज मैं देख रहा हूँ बाकी वो जो है ना मुझे नज़र नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई। ये वाली मुर्गी हमने फाइनल ले ली है, हम दोनों आए थे मंडी तो इसने बोला ये वाली मुर्गी लेते हैं, तो फाइनली जो है वो ये वाली मुर्गी हमने ले ली है। उसके बाद डक्स भी थी पर डक्स हमें पसंद नहीं आई, और इधर भी मुर्गियाँ थी पर ये वाली जो है ना वो अच्छी लगी हमें, तो इसलिए मैंने ये वाली मुर्गी ले ली है फाइनली। तो भाई से ले लिए, भाई से हो गए, अभी भाई को देते हैं पैसे, उसके बाद जाते हैं घर। देखें ये भी पहुंच गया, और अब इसको जो है वो मुर्गे के पास छोड़ते हैं। जल्दी खोलो, कबूतर बैठा आए हो ये री। ओड़े चली से मुर्गे था क्या डाल वो देखें इसने देख बढ़िया देखते साथ ही चलाना शुरू कर दिया। अभी इनको खोलते हैं, अभी इनको खोलते हैं और इसको मुर्गी के साथ छोड़ते हैं। देखिए अभी इसके साथ छोड़ दिया है और सारी मुर्गियां वापस आ गई और ये मस्ती करने लग गया है। तो नई मुर्गी माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, ये देखें अभी जो है वो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और परिंदों को तो थे कई सारे पानी भी जा रहे हैं अंदर, पर अभी जो है रेबिट के पास पानी जाता है, तो देखिए बाहर कितनी वो तेज़ बारिश हो रही है। और इससे आधा घंटा तकरीबन हो गया है, तो अब पता नहीं कब रुकेगी, परिंदे सारे हमारे डिस्टर्ब हो गए। ये देखें कितनी तेज़ है बारिश, अभी बारिश जो है वो ख़त्म हुई है। देखें मैंने मुर्गियों को अभी बाहर खोला है और ये सारी जो है वो भीग गई हैं। नई वाली मुर्गी जो हम आज लाए हैं वो भी इनके साथ खड़ी हुई है अभी, और परिंदों को आपके दिखाता हूँ वो भी भीग चुके हैं, पर ज़्यादा नहीं बहुत कम। अभी फिर से बारिश जो है ना मुझे लग रहा है कि हो रही, अभी ख़त्म हुई है। पानी देखे कितना जमा हो गया इधर भी उधर भी, अभी बहुत ज़्यादा था इधर, वो तो निकल चुका है पानी, अभी ये थोड़ा रहता है। ये देखें इनके यहाँ पे पानी आ गया है, उसके बाद इधर भी रैबिट्स के केज में पानी था, मुर्गियों के केज में, मुर्गियाँ सारी भीग चुके हैं। इतनी तेज़ बारिश हुई है कि सारे जो भीग चुके, सिर्फ ये जो है ना सेफ थे, ये चारों ये सारे सेफ थे। इधर थोड़ा थोड़ा आया था जो कि यहाँ से जाली के नीचे टपक रहा था ना यहाँ पे, वो पानी आया था, बाकी जो है ना इधर नीचे इनके केज में बहुत आया मुर्गियों के, और इधर इस वाली मुर्गियों के और रैबिट्स के केज में बहुत आया। तो अभी मैंने इनको बाहर निकाला ताकि बाहर जाएं और सूख जाएं, और बाकी मेरी भी हालत देख सकते हैं, मैं भी बहुत इनके पीछे भागा हूँ, तो मैं भी पूरा गीला हो चुका हूँ, अभी जाके थोड़ा बहुत सूख चुका हूँ। तो बारिश रुकी है, ये देखें अभी भी यहाँ से पानी गिर रहा है। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था, मिलेंगे इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।